साईं बाबा की पूजा बेहद आसान और सरल होती है। साईं अपने भक्तों से केवल प्रेम की आस रखते हैं। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ साईं बाबा की पूजा करने वाले मनुष्य के जीवन की समस्याएं अपने आप ही खत्म होने लगती है। साईं पूजा का विशेष दिन गुरुवार होता है और इस दिन उनके आशीर्वाद को पाने के लिए भक्तों को कुछ खास चीज़ें जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में आई मुसीबतें दूर होती है और मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानें कि साईं के विशेष भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए। गुरुवार के दिन साईं पूजा का संकल्प लें और संभव हो तो व्रत भी रखें। गुरुवार के दिन पूजा के बाद साईं कथा पढ़ें और साईं के मंत्रों का जाप करें। शाम के समय साईं के आगे दीपक जलाकर उनके भजन गाएं। गुरुवार के दिन साईं को पीले फूल, वस्त्र और भोग अर्पित करें। इसके बाद वस्त्र और भोग का प्रसाद गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपके दुख और दर्द दूर होंगे। साईं गरीबों की सेवा से बेहद प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन साईं बाबा को खिचड़ी का भोग लगाकर भूखे लोगों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए साईं के समक्ष गुरुवार की शाम को 11 मुख वाला एक दीपक जलाएं और श्री साईं चालीसा का पाठ 3 बार करें। इससे आपके हर रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। साई कृपा के लिए किसी एक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। साई की मंत्र जाप के लिए तुलसी या रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। साई कृपा के लिए किसी एक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। साई के मंत्र जाप के लिए तुलसी या रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। ओम साई राम, ओम साई गुरुवाय नमः, सबका मालिक एक है, ओम साई देवाय नमः, ओम शिरडी देवाय नमः। साई की पूजा हमेशा शांत भाव से करें और उनके मंत्र का जाप मन में करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।